मैं हूं अनमोल रावत एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचडीएफसी ग्रुप के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर न्यूज आया है, जिसके अकॉर्डिंग जिसके भी पास एचडीएफसी के 25 शेयर्स है उनको उसके करस्पॉन्डिंग एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे, ये आप सब जानते हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल है जो अभी एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस समय कि वो अभी एचडीएफसी ग्रुप के 25 शेयर्स बाय कर सकते हैं, जिसका कॉस्टिंग करंटली आज की क्लोजिंग के हिसाब से 2263.50 रुपये से आपका इन्वेस्टमेंट होता है 56,587। ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 56,587.5। बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अभी मर्जर न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग फॉर एवरी 25 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी यू विल बी गेटिंग 42 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो करंट लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ एचडीएफसी बैंक इज 1395.5। दैट मीन्स कि आपका जो 56,587 का इन्वेस्टमेंट है वो 58,611 के इक्विवेलेंट है। तो दैट मीन्स कि आपको अगर अभी एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना है तो आप एचडीएफसी के शेयर्स बाय करके छोड़ सकते हैं, कुछ टाइम बाद जो आपको ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसमें नेट टू नेट जो आपको बेनिफिट होगा वो होगा 2,000 रुपये पर लॉट का। मतलब अगर आप 56,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो प्रॉफिट है वो अराउंड 3.5% का है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी इन मार्केट इन जो कि अभी आपको मिल रही है। तो आप चाहे अगर आपका एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करने का इस समय मन है तो आप इस रास्ते के जरिए जा सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाएगी और आपको लॉन्गर टर्म में और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन।